आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बजट के बाद पीएम मोदी ने किया वेबिनार को संबोधित, कहा देश के विकास को मिलेगी नई गति। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी सौगात, 76 बसों को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य भी रहेंगे मौजूद। यूपी को जल्द मिलेगा नया विधान भवन, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया ऐलान। मनीष सिसोदिया सीबीआई कोर्ट में होंगे पेश, आबकारी नीति घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट देश के विकास को नई गति देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ ने भारत के बजट की प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब देखिए, इस बजट में गांवों में भंडारण का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है, स्टोरेज के लिए, किसानों की पैदावार के स्टोरेज के लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हम अभी से सोच सकते हैं। देश में वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, लाखों गांवों में हेल्थ सर्विसेज के लिए उत्तम से उत्तम वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन कामों में हमें नई टेक्नोलॉजी, मटेरियल में भी नयापन, कंस्ट्रक्शन टाइम में भी समय सीमा में काम कैसे हो, इन सारे विषयों पर अब भारत को बहुत बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है। प्रदेशवासी होली की तैयारी में जुट चुके हैं। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दिए हैं, जहां उन्होंने सीएम योगी ने 76 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम 5 कालिदास मार्ग से नई बसों को मुख्यमंत्री रवाना किया है। ये एक्सप्रेस बसें हर जिलों से गुजरेंगी। इसके अलावा 39 नई साधारण बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल हुए थे। मैं परिवहन विभाग के सभी अधिकारी और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं एक शानदार यात्रा के लिए, और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुगम और आसान यात्रा के लिए विगत 50 वर्षों से जिस यात्रा को आपने प्रारंभ किया है, आज वह अपने साथ होली के पूर्व कुछ नई उपलब्धियों को जोड़ने जा रहा है। मैं इसके लिए पूरे परिवहन विभाग का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपने बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होगी, शाम को सीएम आवास पर मीटिंग बुलाई गई है। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो वहीं सिसोदिया आज दोपहर 2 बजे सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुताबिक एजेंसी मनीष सिसोदिया की हिरासत की मांग करेगी। बता दें कि सिसोदिया को उनकी 5 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं सिसोदिया ने गिरफ्तारी के 1 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी
चोरी के दौरान आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर सकती है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश को जल्द नए विधानसभा की सौगात मिलेगी। इसकी घोषणा शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में की है। सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले महाना ने बताया कि सरकार ने नए भवन के लिए वित्त वर्ष 2023-2024 के आम बजट में टोकन के तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा के कम से कम एक सत्र का आयोजन नए भवन में हो। मौजूदा विधान भवन काफी पुराना है, जबकि बढ़ती जरूरतों के मुताबिक स्थान कम होने और आसपास बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए सरकार ने नए भवन का फैसला किया है। अमरोहा जनपद में होली का त्यौहार नजदीक आते ही आबकारी विभाग में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सोहरका और बीजलपुर में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने 1000 लीटर लहन नष्ट किया है और 110 लीटर अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। नमस्कार, अमरोहा जनपद में आबकारी विभाग होली का त्यौहार आते ही लगातार पहले की तरह अलर्ट मोड पर है और जो शराब माफिया उनके खिलाफ नकेल कसने की कार्रवाई जारी है। मेरे साथ अमरोहा जनपद के जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा जी हैं। बात करेंगे उनसे कि अमरोहा जनपद में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस क्रम में क्या इनको अभी सफलता मिली है और आगे क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, जी बताइए। होली के त्यौहार के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार जनपद में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला अधिकारी द्वारा संयुक्त टीम का गठन किया गया है। संयुक्त टीम द्वारा कल हसनपुर के ग्राम सोहरका, शीतला सराय और बीजलपुर में दबिश दी गई। दबिश के दौरान 1000 किलोग्राम लहन बरामद किया गया है, जिसे मौके पर नष्ट किया गया है। 110 लीटर शराब बरामद हुई है तथा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी। नहीं, ये बताइएगा, जिस तरीके से लोग जो है फिर भी ये काम करते हैं तो उनके खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा, क्या इसमें ऐसी स्कीम बनाई गई? अब इनके यहाँ छापा डाल करके अवैध शराब बरामद होती है तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके पैरवी करके इनको सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा ताकि इस पर अंकुश लग सके। तो ये थे जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा जो बता रहे हैं कि इस पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए पैरवी भी की जाएगी। विनीत अग्रवाल, प्राइम टीवी, अमरोहा। बाराबंकी में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है और मरीज डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर अपने मनमाने समय पर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजश्री त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरा मामला सूरतगंज सीएससी के अंतर्गत महादेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। बंद है, कहाँ से आए हो आप? कसा क्लास। नाम क्या आपका? राम खिलावन। दिक्कत आपको क्या है? भैया बुखार आ गया पर बहुत तगड़ा। हाँ। और इस बार दर्द है, पहले भी जन ले गया रहा तो ठीक हो गया रहे। हाँ। कमर में दर्द है, जांघन में सब दर्द है, कुछ चल नहीं पाई तो 8 बैठवन घर से आए। अतः बीमार हैं आप? अच्छा, पैदल आए। समय क्या हुई है? अब जो कुछ हुई हो 10 बज चुका है। हाँ। रायबरेली में दर्जन भर किसानों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिग्रहित भूमि के मुआवजे नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। पीड़ित किसानों का कहना है कि उनकी भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई गई, जिससे उन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों की भूमि गंगा एक्सप्रेसवे में शामिल कर ली गई है, जिस कारण किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मामला डीएम माला श्रीवास्तव के समक्ष पेश किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आपका राम नारायण। पिताजी का नाम क्या? नाम ब्रह्मा। कहाँ के रहवासी हैं आप? हम पूरे गणेश बटस के। अच्छा, तो क्या मामला है जो आज यहाँ पे ये हमारी जमीन गंगा एक्सप्रेस में जा रही है और उसका न पैसा मिल रहा है न उसका कुछ मुआवजा मिल रहा है और कह एक महीने से जंगल नाप रहे हैं, कहते हैं तुम जंगल में ले लो। हम जंगल में कैसे ले लेंगे? जब तक हमारी जमीन नहीं जाएगी, इतना मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम जमीन में भरे मर जाए, मगर हम नहीं देंगे जमीन। और जो यहाँ का डीएम
के पास भी गए, तहसीलदार के भी पास गए, वो बोले दो दो दिन में तुम्हारा हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, अभी नहीं हुआ। जो पूर्व का नाम है तुम्हारा? सरोज कुमार। पिताजी का नाम क्या है? विश्वनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? गणेश बकस का पूर्वा उगा भाग। क्या मामला है जो आज आप लोग प्रदर्शन किए? हमारा मामला ये है कि हमारा लोगों का गंगा एक्सप्रेसवे में जमीन गई थी, जमीन गई थी और उसमें प्रकाशन में नाम भी आया था, लेकिन क्षेत्र के लेखपाल द्वारा हमारी जमीन को बाहर कर दिया गया और उसके बाद हमें अब एक महीना से कम टहला रहे हैं, वन विभाग में नाप कर रहे हैं, ना हमें मुआवजा ही दिया गया है और ना हमें कोई अभी ऐसी संभावना है कि मिलेगी। आपने इसकी शिकायत कहीं और की? हाँ, डीएम को भी किया, मुख्यमंत्री पोर्टल में किया, यूपीडा में भी किया। रायबरेली में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। बाइक सवार दो युवक कहीं भागने की फिराक में थे, जिससे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो युवकों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वही मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के निबलापुर के जंगल के पास का बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अतुल पांडे, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, पुलिस मुठभेड़ में जो बदमाश है, क्या नाम है? पुलिस मुठभेड़ में दो लोग आए हुए हैं, मनोज कुमार 21 साल और संतोष कुमार 30 साल, सीएससी शिवगढ़ से रेफर हैं। बताया जा रहा है पुलिस से मुठभेड़ हुई है, अभी यहाँ फर्स्ट एड करके उनको एडमिट किया गया। बंकी में सैकड़ों की संख्या में किसानों का आलू स्टोर में नहीं रखा जा रहा, जिस वजह से किसान लंबी लाइन लगाकर स्टोर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्टोर का मालिक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लाइनें की वजह से लोगों की आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। किसानों का कहना है कि वो ट्रैक्टर लेकर स्टोर आए तो आलू का भंडारण स्टोर में नहीं रखा गया, जिस कारण किसानों को मजबूरी में वहीं पर रात गुजारनी पड़ी। होली का पर्व आ रहा है, ऐसे में अगर आलू नहीं रखा जाएगा तो उनका भारी नुकसान हो जाएगा। पूरा मामला रामनगर होंडा हाईवे के स्थित कटियारा गाँव के समीप रामनगर गोल्ड स्टोर का बताया जा रहा है। अलीगढ़ में स्कूल में शिक्षक बच्चों से मजदूरी कराए, जिसके चलते बच्चे क्लास रूम में झाड़ू लगा रहे हैं, तो वहीं तालीम हासिल करने आए बच्चों से मजदूरी कराए जाने को लेकर शिक्षकों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश भी दिए। पूरा मामला आपको बता दें, अकराबाद का ब्लॉक क्षेत्र के गाँव खेड़िया हरिचंद स्थित प्राथमिक विद्यालय का है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार बाइक ने मासूम को कुचल दिया और एक वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, तो वहीं हादसे में मासूम सहित 3 लोग घायल हो गए। मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपनी बहन को पेपर दिलाने जा रहा था, तो वहीं राहगीरों ने घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया है। पूरा मामला थाना बरला क्षेत्र का है। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, ये क्या घटना हुई थी? यहाँ पर घटना जी है, हम तो पेशाब कर रहे थे वहाँ पर। हाँ, रिटर्न टू हुआ यहाँ पर मोटरसाइकिल में। अच्छा, बंद में भागा हूँ फिर। हाँ, और सभी लोग आगे पे थे वहाँ पर। हाँ, सभी लोग आ गए भैया, लड़की बचाइए, फिर एम्बुलेंस को फोन करो, एम्बुलेंस आइए। अच्छा, उसके बाद में हमने धरवा हुआ, चलो भैया ट्रीटमेंट करवाओ। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? और जी पहाड़ीपुर पे रिटर्न मर गया हुआ लड़का, और जे लड़की को हफ्ते पर बाहर जाना था। अच्छा, कॉलेज में। अच्छा, अलीगढ़ में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर शादी के कुछ दिन बाद से ही परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही उसका आरोप है कि उसके ससुर की नजरें उसके प्रति गलत थी, जिसका विरोध करने पर पति ने 3 तलाक देते हुए उसे घर से निकाल दिया। बता दें कि महिला ने पति सहित सास ससुर और अन्य लोगों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, और इसी मांग को लेकर वो जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर एसएसपी कार्यालय तक चक्कर लगा चुकी है।
देखिए 2 से 3 दिन तो ठीक चला, उसके बाद वही मैंने पढ़ाई की कह दी थी तो मैं बुरी बन गई थी। मेरे दादा ने बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है तो थोड़ा सा काम को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक, अब थोड़े छोटे जिसमें झाड़ू लगा रही हूँ है ना, तो झाड़ू लगाते लगाते थोड़ा सा कूड़ा रह गया तो उसी बात पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। ये तो छोटी मोटी बातें होती हैं। ठीक, उसके बाद मुझे मैंने माइंड नहीं किया था, लेकिन ससुर है, कितनी देर में टॉयलेट में से निकल रही हूँ, कितनी देर में नहा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे प्राइवेट्स कपड़े के बारे में मेरे खालू को बता रहे थे। ठीक है, ये सारी बात मुझे पता चली है ना, तो मैंने दानिश से कही थी। दानिश ने क्या दिया, पापा आए, कोई बात नहीं छोड़ दो। रायबरेली में भदोखर थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन के किनारे एक महिला का अधजला शव मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं सीओ सदर के मुताबिक शव अज्ञात है, जिसकी पहचान की जा रही है। आज प्रातःकाल थाना भदोखर के अंतर्गत कुचरिया ग्राम प्रधान के द्वारा सूचना दी गई कि दुर्जन का पूर्वा में रेलवे ट्रैक के किनारे एक महिला का शव पड़ा हुआ है, जो कि अधजली अवस्था में है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी भदोखर, फॉरेंसिक टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभी तक शव की शनाख्त नहीं हो पाई है, शव की शनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई करके पीएम के लिए शव को भेजा गया है और इसके पश्चात अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। संबल में कलयुगी पिता ने शराब के नशे में बेटी को हवस का शिकार बनाया। बेटी को जबरन हवस का शिकार बनाकर रिश्ते को शर्मसार कर दिया। वहीं 13 वर्षीय नाबालिग बेटी ने सारी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद पत्नी ने थाने में पहुंचकर पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस रेपिस्ट पिता को गिरफ्तार किया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को जेल भेज दिया है। कल थाना नखासा में एक बालिका के साथ कुछ लोगों द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने की घटना प्रकाश में आई थी। इस संदर्भ में तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन करते हुए प्रकरण में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।